अब एक एक करके इन सेंटेंसेस में देखिए, जिससे आपको एकदम से क्लियर हो जाए कि कहाँ इसका जो कन्फ्यूजन होता है, वो भी मैंने इसमें सेंटेंस रखे हैं कि कौन से सेंटेंसेस होते हैं जो फ्यूचर के। कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिनको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी बनाते हैं। हालांकि जब अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे तो उसको वहाँ भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ अपन को समझ में आ जाए कि कौन से काम हैं जो शेड्यूल्ड हैं। वो वाली बात आपको ठीक से समझ में आ जाए, जिससे जब सेंटेंस आपके सामने आए तो ठीक से आप पहचान पाएँ। जैसे फर्स्ट सेंटेंस देखिए कि द मूवी इन 10 मिनट्स, आपको वर्ब दी स्टार्ट, यानी आपको स्टार्ट यहाँ करके भरनी है। अब आप ये देख लीजिए बस कि ये जो बात कही गई है, क्या ये शेड्यूल्ड है और किसी अथॉरिटी की कमांड में होता है ये काम? तो बिल्कुल क्लियर बात है कि जो मूवी होती है, अब हम कहें कि मूवी स्टार्ट होगी इन 10 मिनट, कि मूवी 10 मिनट में शुरू हो जाएगी, तो इसका मतलब उसका जो टाइम होता है वो फिक्स होता है, और वो जो प्रोग्राम होता है उनका वो शेड्यूल्ड होता है कि हमें इतने से इतने बजे तक ये शो दिखाना है, इतने से इतने बजे तक ये शो दिखाना है। तो ये जो चीज़ होती है वो कैसी होती है? शेड्यूल्ड होती है। इसलिए हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे। तब आप यहाँ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या भर देंगे? स्टार्ट्स। क्लियर। दूसरे सेंटेंस में देखिए, आपने लिखा वी एट 6 AM, यहाँ हमने लिखा कि बाई ट्रेन, और आपके सामने वर्ब मिली है आपको लीव। एक बार मैं आपको कंप्लीट बता दूं, उसके बाद आप इसको कहीं भी स्टॉप करिए, और स्टॉप करके इन सारे सेंटेंसेस को नोट डाउन भी कर लेना, जिससे कि जो रूल है वो आपको एकदम से क्लियर हो जाए। जैसे हमने कहा कि वी एट 6 AM बाई ट्रेन, और सेंटेंस में हमने वर्ब दी आपको सामने लीव, तो इसका मतलब इन्हें लीव लगा करके एक बार देखिए, इसका मतलब कि हम जाएंगे 6 बजे बाई ट्रेन। तो हम 6 बजे ट्रेन से जाएंगे, तो जो ट्रेन का जो प्रोग्राम होता है वो फिक्स होता है, और वो किसी न किसी अथॉरिटी की कमांड में भी होता है। तो इस तरीके से यहाँ भी आप प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करेंगे, तो इस तरीके से लीव, चूँकि आपका कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यहाँ मुख्य क्रिया में SEIS नहीं लगती, ठीक? तो इसलिए आप यहाँ क्या भर देंगे? लीव भर देंगे। इसके बाद अगला देखिए कि वी एट 6 AM बाई कार, सेम की सेम बातें हैं, केवल अंतर कितना आ गया कि यहाँ बाई ट्रेन था और यहाँ बाई कार है। तो बाई कार होने से एक तो यहाँ ये चीज़ अट गई कि ये अथॉरिटी नहीं रही, यानी जो अथॉरिटी की कमांड वाली बात मैं कह रहा था यहाँ वो नहीं रही। दूसरा, बाई कार से इसका शेड्यूल भी नहीं रहा, क्योंकि आप बाई कार जा रहे हैं तो आपका कोई शेड्यूल नहीं रहा। तो ऐसी कंडीशन में आप यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ नहीं करेंगे। तो एक तो आप अभी छोड़ दीजिए इसको, मैं इसको थोड़ी बाद में बताऊंगा इस सेंटेंस को। आगे देखिए कि द ट्रेन एट 6:30 इन द मॉर्निंग और अराइव, तो ट्रेन की बात है इसलिए आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ अराइव्स आएगा, ठीक? ठीक इसी तरीके से आगे देखिए कि द हॉलीडेज नेक्स्ट वीक, स्टार्ट का मतलब प्रारंभ होना, कि जो छुट्टियाँ हैं वो अगले वीक से प्रारंभ होंगी। तो जो फ्यूचर टाइम है वो यहाँ आ रहा है, जैसे सब में फ्यूचर का टाइम आ रहा है वो आप समझ में आ ही रहा है, लेकिन साथ में यहाँ क्या दिखाई दे रहा है कि द होलीडे नेक्स्ट वीक और स्टार्ट लगाना है। तो छुट्टियाँ शुरू होने का जो काम है वो किसी न किसी अथॉरिटी की कमांड में होता है, और दूसरा इसका शेड्यूल होता है कि पहले से हमें पता होता है कि इतने से इतने तक हमारी छुट्टियाँ होंगी। तो इसलिए आप यहाँ भी क्या कर देंगे? स्टार्ट्स कर देंगे, ठीक? थोड़ा सा इन वर्ब को भी देखिए कि ज़्यादातर इसमें इसी प्रकार की वर्ब्स आती हैं, ये जो वर्ब हैं वो यही वर्ब आती हैं। हालांकि ये और भी सेंटेंसेस हैं जिनसे ये वर्ब आती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो मोस्टली यूज़ होने वाली जो वर्ब हैं वो ये हैं। तो इसलिए आप इनको बहुत अच्छे से दिमाग में रखिए, जिससे कि आप पेपर हॉल में आपका जो सेंटेंस है वो बहुत जल्दी हो जाए। आगे देखिए, दे टू सी अस टुमारो, इसके बाद जो वर्ब दी है यहाँ कम दी है, तो यहाँ हम कम को लगा करके सेंटेंस को क्लियर करें कि वे आएंगे टू सी एस, हमको देखने के लिए टुमारो कल। तो यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है कि फ्यूचर का टाइम तो आया है टुमारो, लेकिन जो बात कही गई है कि वे हमें देखने कल आएंगे, एक तो यहाँ पहली बात आपकी ये नहीं लग रही कि ये कोई उनका शेड्यूल्ड प्रोग्राम नहीं हुआ। चलिए मान भी लेते हैं कि उन्होंने थोड़ा सा अपना शेड्यूल बना भी लिया होगा, तो किसी अथॉरिटी की कमांड में नहीं रहा। तो इसलिए इस प्रकार के वाक्यों में आप प्रेजेंट सिंपल फॉर फ्यूचर का यूज़ नहीं करेंगे। अगला सेंटेंस देखिए कि वी अ पार्टी एट क्रिसमस, यहाँ आपके पास जो वर्ब है वो हैव है, इसका मतलब कि हम रखेंगे एक पार्टी एट क्रिसमस, क्रिसमस पे, तो हम क्रिसमस पे एक पार्टी रखेंगे। तो यहाँ भी वही बात हो गई कि ये ना तो कोई शेड्यूल रहा और ना ही किसी अथॉरिटी की कमांड में रहा।
तो बस ये आपको ठीक से समझ लेना है जो मैंने दोनों बातें बताई हैं। हालांकि जो मेन रूल है वो आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है, आप उस रूल से समझ सकते हैं कि इस रूल का यूज़ हम कहाँ करते हैं, लेकिन केवल इतनी बातों से ये रूल ठीक से क्लियर नहीं होता। इसलिए जो मैंने आपको बातें बताई हैं उन बातों को आप बहुत अच्छे से दिमाग में रखिए। रूल का सेंटेंस अगर आपका आता है तो आप एकदम से समझ जाएंगे कि हाँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। अब जो यहाँ बातें मैंने बताई उसमें तीन सेंटेंस मैंने आपके जो छोड़ दिए हैं उनको भी एक बार देखिए। सबसे पहले यहाँ देखिए कि वी एट 6 AM बाई कार, तो जब थोड़ा सा अंतर है वो अंतर समझ जाइए। यहाँ मैंने क्या कहा था कि शेड्यूल्ड होना चाहिए और किसी अथॉरिटी की कमांड में होना चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए, प्रोग्राम होना चाहिए या आपका डिसीजन होना चाहिए। यही तीनों की तीनों चीज़ें, कोई प्लान हो आपका, कोई डिसीजन हो आपका या कोई भी प्रोग्राम हो आपका, अगर ये किसी अथॉरिटी की कमांड में नहीं रहते और ये तीनों के तीनों जो काम होते हैं वो शेड्यूल्ड नहीं रहते, तो ऐसी कंडीशन में आप इन्हीं के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करने लगते हैं। रूल को आप ठीक से दिमाग में बिठा लीजिए। अगर किसी अथॉरिटी की कमांड में होते हैं और शेड्यूल्ड होते हैं ये तीनों काम, तब तो इसके लिए आप प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। काम फ्यूचर के हैं, आप इनके लिए प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। और जब यही काम किसी अथॉरिटी की कमांड में नहीं होते तब इन्हीं कामों के लिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं और वो भी फ्यूचर को व्यक्त करता है। तो यहाँ जैसे हालांकि फिर यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो इसलिए आप यहाँ क्या करेंगे कि वी आर लीविंग एट 6 AM बाई कार, कि हम 6 बजे कार से जा रहे हैं। तो इसका मतलब कि हम 6 बजे कार से जाएंगे, जा रहे हैं का मतलब यहाँ कैसे होगा जाएंगे। जैसे इसमें देखें कि दे कम, इसका मतलब भी आ रहे हैं, मतलब भी आएंगे कि दे आर कमिंग। तो दे आर कमिंग टू सी एस टुमारो, कि वे कल हमें देखने के लिए आएंगे। ठीक इसी तरीके से कि वी आर हैविंग अ पार्टी, कि हम एक पार्टी रखेंगे एट क्रिसमस, क्रिसमस पे। तो ये वो सेंटेंसेस हैं, मेरे ख्याल से रूल अब एकदम से दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि कब हम इनके लिए प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करेंगे, कब हम इनके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ करेंगे और कब, अगर ये बातें नहीं हैं तो शेष सभी काम के लिए आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। क्लियर? हालांकि एग्ज़ाम में किस तरीके से इनका सेंटेंस आएगा, आपको गैप फिलिंग भी आ सकता है जिस तरीके से मैंने बता दिया। एक सेंटेंस आप और देखिए, उससे आपको और समझ में आ जाएगा कि एग्ज़ाम में अगर 4 पार्ट्स बन के आते हैं और एरर निकालना होता है तब ये सेंटेंस किस तरीके से आएगा। अब इस सेंटेंस को और देखिए, सेंटेंस क्या कह रहा है आपका कि द गवर्नमेंट हैज स्पेंट, कि सरकार ने खर्च कर दिए सेवरल करोड़ ऑफ रुपीज़, कई करोड़ रुपए ट्रांसफॉर्मिंग द सिटी, शहर के ट्रांसफॉर्मिंग पे बिफोर द ओलंपिक गेम्स कमेंसमेंट नेक्स्ट ईयर। अब यहाँ दिखाई दे रहा है कि ओलंपिक गेम्स कमेंसमेंट ये जो चीज़ दी गई है, तो हमें इस तरीके से एग्ज़ाम में ये आता है कि आपके पास पेपर के ये 4 पोर्शन बने हैं, ये ए पार्ट हुआ, ये आपका बी पार्ट हुआ, ठीक इस तरीके से ये आपका सी पार्ट हुआ। तो यहाँ आपको एरर निकालना है कि इसके कौन से पार्ट में एरर है। तो चूंकि हमें यहाँ सेंटेंस में दिखाई दे रहा है द गवर्नमेंट हैज स्पेंट सेवरल करोड़ ऑफ रुपीज़, तो यहाँ तक सेंटेंस में हमें कोई एरर समझ में नहीं आ रहा। आगे देखिए, ऑन ट्रांसफॉर्मिंग द सिटी, शहर की ट्रांसफॉर्मिंग पे, ये भी बात सही है। बिफोर द ओलंपिक गेम्स कमेंसमेंट, तो यहाँ हमें ज़रूर दिखाई दे रहा है कि ये जो चीज़ है ओलंपिक गेम्स वाली वो कैसी है, वो शेड्यूल्ड है, वो ये किसी अथॉरिटी के कमांड में हो रही है। तो इसलिए यहाँ प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ होना चाहिए, जो कि नहीं किया गया। तो इसलिए हम यहाँ करेंगे ओलंपिक गेम्स कमेंस। तो ये, तो चूंकि ओलंपिक गेम्स आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, इसलिए आप यहाँ काय का यूज करेंगे कि ओलंपिक गेम्स कमेंस। तो इस तरीके से अगर ये सेंटेंस एग्जाम में आते हैं तो आपको एग्जाम में, और दूसरा प्रैक्टिस आपको बहुत करनी होगी। अगर आप प्रैक्टिस अच्छी करते हैं तो उस तरीके से क्या होगा कि कुछ सेंटेंसेस में आपको समझ में आएगा कि हमें किस तरीके से इसको फाइंड आउट करना है। क्लियर? चलिए अब देखते हैं आपका जो थर्ड रूल है।